15वीं सदी में दक्षिण भारत के बहमनी और विजयनगर दो ऐसे साम्राज्य थे जिनका अस्तित्व ही हिंदू और मुसलमान धर्म पर टिका हुआ था। एक दूसरे को जीतने की निरंतर कोशिशें चलती रहती थी और अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। 1509 में बहमनी सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर उसके शासक वीर नरसिंह तुलुव को मार डाला। इससे पहले कि महमूद इस राज्य पर कब्जा कर पाता, नरसिंह के छोटे भाई कृष्णदेव राय ने मोर्चा संभाल लिया। कृष्णदेव राय ने न केवल महमूद को राज्य से बाहर खदेड़ा बल्कि बहमनी में घुसकर उस पर अधिकार कर महमूद को बंदी बना लिया। कृष्णदेव राय न केवल एक योद्धा था बल्कि एक मांझा हुआ कूटनीतिज्ञ भी था। कृष्णदेव राय की राजनीतिक दूरदर्शिता का पता इससे ही चलता है कि उसने महमूद को कैद से आजाद कर उसे फिर से बहमनी का सुल्तान बना दिया ताकि मुसलमानों में फूट डालकर उन्हें एक साथ होने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और महमूद शाह के बेटे को उसका शासक बना दिया। इस तरह उसने महमूद शाह को अपना गुलाम बनाकर मुस्लिम राज्यों की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। उसने समस्त दक्षिण भारत के राजाओं को हराया। वो युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ और इस तरह उसने दक्षिण भारत में एक विशाल हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर डाली। 1530 में उसकी अचानक मौत हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक स्वीकार किया है।